मध्य प्रदेश रीवा रिश्ते के जीजा ने किशोरी को नशीले पदार्थ खिलाकर उसके साथ किया बलात्कार और उसे आपत्तिजनक तस्वीर भेजकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। अपने साथ हुई इस घटना से अनजान किशोरी को एक साल बाद दुष्कर्म की जानकारी हुई, जब आरोपी ने उस दौरान बनाया हुआ उसका फोटो और वीडियो उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली किशोरी व उसके परिजनों ने थाने में पहुंचकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल एक साल पहले घर में कुछ वैवाहिक कार्यक्रम में रिश्ते के जीजा द्वारा पीड़िता को नशीली वस्तु खिलाकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। देखिए, एक शिकायत एक बच्ची ने की है और उसका कहना यह है कि कोई उसके संबंध में ही पारिवारिक जान पहचान के व्यक्ति हैं जो एक साल पहले किसी शादी वगैरह में आए थे और उस समय बच्ची का कहना यह है कि कुछ उसको खिला पिला के नशीली चीज बेहोश कर दिया गया और फिर उसके साथ कुछ गलत काम किया गया। बाद में उस व्यक्ति के द्वारा वो फोटोज वीडियोज जो भी हैं इस प्रकार से उसको भेज करके बच्ची को ब्लैकमेल भी किया जाने लगा। तब बच्चे की जानकारी में आया और उसने जो है फिर उसकी शिकायत अपने घर वालों से की और फिर उसी क्रम में थाने पे रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जब वो चेक किए गए हैं कुछ फोटोज में बहुत स्पष्ट ही बात समझ में आ रही है कि बच्ची को बेहोश किया गया है और हम लोग ने एक केस रजिस्टर किया है जो भी प्रॉपर सेक्शन से उन्होंने और शीघ्र ही आरोपी की अरेस्ट इसमें की जाएगी। आरोपी के द्वारा कुछ सोशल मीडिया में भी उन फोटोज को डाला गया है जो कि आपत्तिजनक है, उनको भी हटाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।